हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो कि 12/4/2021 को लगाया उसका के जो तीनों शिफ्ट हैं उसमें जो जो क्वेश्चन मेरे को पता लगे हैं उन सबको मैं यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले हम देखते हैं आइडियम एंड फ्रेसेस के बारे में। इसमें जो हैं जो मेरे को चार क्वेश्चन पता लगे हैं आइडियम फ्रेसेस के जो तीनों शिफ्ट में आए हुए हैं उन भी किसी भी एक में। फार क्राई का मतलब क्या होता है? टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। अगर कोई चीज किसी चीज से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, डिफर करती है, तो उस चीज को फार क्राई बोला जाता है। जस्ट लाइक इस पिक्चर में देखिए, जो माचिस हैं उनका सबका कलर एक जैसा है लेकिन इस माचिस का कलर डिफरेंट है, इसको फार क्राई बोला जाता है। नेक्स्ट इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है टू बी हैवी बिकॉज यू डू नॉट नो और विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड ए सिचुएशन रियली इज। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हैप्पी होता है क्योंकि उसको जो बुरी सिचुएशन है उसके बारे में पता नहीं होता या फिर वो बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस व्यक्ति जो हैप्पी है उस चीज को बोला जाता है लिविंग इन फुल पैराडाइज। जस्ट लाइक इस पिक्चर में आप देखोगे, जो व्यक्ति है वो इधर की तरफ चल रहा है, बहुत खुशी से सिगरेट पीते हुए चल रहा है लेकिन इसको पता नहीं है उसके पीछे से एक्चुअली क्या आ रहा है जिससे कि वो उसको नुकसान होने वाला है, मतलब कि उसके पास एक बैड सिचुएशन आने वाली है। इसी चीज को यहाँ पर बोला जाता है लिविंग इन फुल पैराडाइज। नेक्स्ट इज रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है टू बी द पर्सन हु मेक ऑल द डिसीजन इन ए ग्रुप। किसी भी एक ग्रुप के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ग्रुप के सारे डिसीजन को लेता है, उसी चीज को बोला जाता है रूल द रूस्ट। लेट लाइक इस पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी हैं, यहाँ में से ये हैं बोलती है कि आई रूल द रूस्ट, मतलब कि इस ग्रुप में जो भी डिसीजन लूंगी वो मैं लूंगी, मतलब कि ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट इज कॉल्ड रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है डिस्कवर समवन व्हाइल दे आर डूइंग समथिंग बैड और इलीगल, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को गलत काम करते हुए पकड़ लेना या फिर इलीगल काम करते हुए पकड़ लेना, उसको बोला जाता है कॉल्ड रेड हैंडेड। इसको भी आप पिक्चर में देखिए, इस व्यक्ति जो व्यक्ति है वो गलत काम कर रहा है, वो किसी चीज के अंदर जा रहा है पिस्तौल लेकर और पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है, उसी चीज को बोला जाता है कॉल्ड रेड हैंडेड। अब आके देखते हैं और क्वेश्चंस। इसमें आप देखोगे बनबर्ग सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस भी ये किसी न किसी शिफ्ट में आज की डेट में आए हुए हैं। एक है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है टेंचर या फिर मिक्सिंग, मतलब कि किसी भी चीज को किसी चीज के साथ मिला देते हैं तो उस चीज को बोला जाता है अल्टरेशन। जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ कि इस बोतल में वाटर भरा है और मैं इसमें अगर ये वाली बोतल है इसके अंदर मिल्क भरा है तो मैं इसको इसमें डाल देता हूं, तो इस चीज को अडल्ट्रेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है? द ट्रीटमेंट और स्टडी ऑफ बोन्स दैट हैव नॉट ग्रोन करेक्टली और दैट हैव बीन डैमेज, मतलब कि एक ऐसी स्टडी जो बोन के लिए की जाती है, मतलब हड्डियों की स्टडी करना, ऐसी हड्डियां जो कि करेक्टली ग्रोन नहीं होती या फिर वो डैमेज हो चुकी होती हैं, उस स्टडी को हम ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। अब ये है फैसिफोलॉजिस्ट। फैसिफोलॉजिस्ट क्या होता है? ऐसे कोई व्यक्ति जो कि इलेक्शन के बारे में स्टडी करता है या फिर वोटिंग स्टडी के बारे में स्टडी करता है, तो उस चीज को फैसिफोलॉजिस्ट, मतलब कि उस व्यक्ति को फैसिफोलॉजिस्ट बोला जाता है। और देखिए जो क्वेश्चन आए हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से, ये क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो सिनोनिम्स के लिए आए हैं और कुछ क्वेश्चन है जो एंटोनिम्स के लिए आए हैं। मैंने पता नहीं था कि कौन सा सिनोनिम्स का है कौन सा एंटोनिम्स का है, जैसे मुझको मिले मैंने यहाँ पर लिख लिए। रिजोल्व का मतलब क्या होता है? टू सॉल्व और एंड ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को खत्म करना या तो सॉल्व कर लेना ही रिजोल्व कहलाता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, मतलब यह है कि कोई भी चीज एक्यूरेट होती है या एग्जैक्ट होती है या फिर बोल सकते हो साफ स्पष्ट होती है, उसी चीज को प्रिसाइज बोला जाता है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट का मतलब होता है बॉर्डर, लिमिटेशन, एरिया और डायमेंशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं, जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज का एरिया होना या किसी भी चीज की सीमा होना। जस्ट लाइक मैंने बोला कि एक एरिया है और इस एरिया की सीमा क्या है, ये है जो मैंने अभी बनाई थी, उसी चीज को बोला जाता है एक्सटेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है किसी भी चीज को खींच कर लंबा कर देना। जस्ट लाइक इस पिक्चर में आप देखोगे जो एक गर्ल है उसके हाथ में जो इलास्टिक है वो इसको खींच कर लंबा कर रही है, इसी चीज को स्ट्रेच बोला जाता है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिफ्यूज, प्रोट्रूड और एक्सपेंड। नेक्स्ट इज प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसी चीज को प्रिविलेंट बोला जाता है। जैसे सिनोनिम्स है पॉपुलर, वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल एंड करंट। ये जो पिक्चर है वो भी आप देख लीजिए, इस पिक्चर में ये है वो, ये पिक्चर जो है
ऑफ रिसर्च के लिए ली है मैंने। यहाँ पर आप देखोगे जो चारों कोर्स हैं वो एक ही सेंटर के अंदर हैं, मतलब कि एक्यूरेट हैं और प्रिसाइज हैं। अगर वो चारों कोर्स साइड में होते हैं लेकिन एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर हो तो उसको बोला जाएगा प्रिसाइज, लेकिन एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेंटर में नहीं है। अगर इन चारों कोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया जाता है तो ये प्रिसाइज भी नहीं और एक्यूरेट में नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटर में नहीं है, और प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि इस वाले फॉर्म के अंदर नहीं है। और भी देखिए, और भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के वर्ड भी हैं। बीटीएड, बीटीएड का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी चीज दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसी चीज को बोला जाता है बीटीएड। और जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है कंटामिनेट, डिवॉच, डिफाइल, स्पॉइल एंड इम्पेयर। जैसा इस पिक्चर में आप देखोगे जो ये फ्रूट है जो कि खराब हो चुका है, इसी चीज को बोला जाता है बीटीएड। नेक्स्ट इज प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान होना, समझदार होना, जिसके सिनोनिम्स हैं वाइज, जुडिशियस, सगासियस, सेज एंड श्रूड। ये तो क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल कितना था और कितने क्वेश्चन आए थे। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आए थे वो 2 से 3 आए थे और उसका जो लेवल था वो इजी था। प्लेनर ब्लेंस के जो क्वेश्चन आए थे वो भी 2 से 3 आए थे और जो उसका जो लेवल था वो इजी था। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन आए थे वो 4, मतलब सिनोनिम्स के 2 थे और एंटोनिम्स के 2 थे, उनका जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट था। और स्पेलिंग करेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आए थे 2 और उसका जो लेवल था वो इजी है। और आईडी मैन फेसेस के जो क्वेश्चन आए थे वो 2 क्वेश्चन आए थे और इसका जो लेवल था वो इजी था। वन मर सब्सटेंस के जो क्वेश्चन आए थे वो 1 से 2 आए थे और जिसका लेवल था वो मॉडरेट था। और सेंटेंस इंप्लीमेंट के जो क्वेश्चन आए थे वो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे लेकिन उनका जो लेवल है वो इजी है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की मैं बात करता हूं तो उसका एक ही क्वेश्चन आया था वो भी इजी आया था। और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बात करूं तो उसका भी एक ही क्वेश्चन आया था वो भी इजी था। और पैरा जंबल की मैं बात करूं तो वो उसके 2 क्वेश्चन आए थे वो इजी से लेके मॉडरेट थे, मतलब कि एक क्वेश्चन इजी था और दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट था। और क्लोज टेस्ट की मैं बात करता हूं तो वो मॉडरेट या बोल सकते हो इजी और मॉडरेट था। और 5 क्वेश्चन ही आते हैं जो हर साल की तरह आते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आ रहे वो 25 क्वेश्चन थे। अगर मैं पूरे लेवल की बात करता हूं तो इसको आप बोल सकते हो इजी या फिर बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट, लेकिन डिफिकल्टी का कोई चांस नहीं था इस जो तीनों शिफ्ट में जो पेपर लगा है इंग्लिश का। आई होप मैंने आपको जो बताया है आपको अच्छे से, क्वेश्चन जो बताए हैं वो आपको मीनिंग जो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, सेशन डिसमिस्ड।